ओम श्री गणेश नमः। जैन धर्म की शासन देवी माँ पद्मावती और जैन धर्म की ये जो शासन देवी माँ पद्मावती अग्निमुखी है, हमारे वर्ल्ड के जितने भी जैन भाई हैं, आप जैन धर्म की शासन देवी माँ पद्मावती के साथ डायरेक्ट आप कैसे जुड़े? आपके क्षेत्र में कहीं भी जैन मंदिर हो, अगर जैन मंदिर नहीं है तो आपके क्षेत्र के जो शिव मंदिर है, शिवालय के गर्भगृह में या मंदिर परिसर में सरसों तेल का अखंड दीपक 12 दिन जलाएं। जैन धर्म की शासन देवी यह 365 दिन वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर में आप जोत जलाएंगे, वहां शासन देवी रहती हैं, वास स्थान वहीं है। तो वर्ल्ड के अंदर जितने भी जैनी भाई हैं, हर गांव शहर में तो आपका जैन धर्म का मंदिर नहीं है, तो आप अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में 12 दिन कम से कम सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। वह जो सरसों तेल का अखंड दीपक आप जलाएंगे, उसमें सिंदूर मिला दीजिएगा और सुगंधित कर्पूर, पूजन कर्पूर, उसके बाद मंदिर ले जाइए तेल आप, और अखंड दीपक के साइड में नजदीक में एक हल्दी का गोटा रख दीजिएगा। और देखिए उसी 12 दिन के अंदर वही शिव मंदिर गर्भगृह से जैन धर्म की शासन देवी आपको आशीर्वाद देंगी। आप सब मीडिएटर को हटाइए, डायरेक्ट जैन धर्म की शासन देवी से जुड़िए। जैन धर्म की शासन देवी है, अग्निमुखी है, अखंड दीपक। बौद्ध धर्म वाले, आपके धर्म में भी अखंड दीपक का ही पूजन होता है, आप भी जहां जहां रहते हैं अखंड दीपक जलाएं। हिंदू सनातन धर्म, सर्वप्रथम अखंड दीपक का पूजन होता है। पारसी अग्नि अखंड दीपक का ही पूजन होता है। वेद शास्त्र सम्मत गीत गाता हूं, नंबर एक। नंबर दो, जो आवारा कुत्ते हैं उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। नंबर तीन, सभी धर्म के देवी देवताओं को सुगंधित वायुमंडल चाहिए। आपके घर में अगर सुगंधित वायुमंडल होगा, आपके घर में देवी देवता आशीर्वाद देने आएंगे। हर शनिवार को अपने घर में, अपने कारखाना में, अपने दुकान में येलो मस्टर्ड, पीली सरसों और हल्दी का जो गांठ आता है, येलो मस्टर्ड 100 ग्राम, पीली सरसों जो येलो मस्टर्ड और हल्दी 100 ग्राम, 200 ग्राम में आप अग्नि डाल दीजिए, माने जला दीजिए, उसका धुआं कीजिए। आपके घर में दिनों दिन सुख शांति धन धान्य बढ़ेगा। आप नया गाड़ी लाते हैं, जैन भाई, हिंदू भाई, बौद्धिस्ट, पारसी, नींबू देते हैं या नहीं चक्के में? एक नींबू विधि का विधान बदल लेता है, पूरा गाड़ी का रखवाली बन जाता है। तो गाड़ी के लिए आपने नींबू दिया है, अपने परिवार के लिए, अपने सुरक्षा के लिए नींबू में थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिए, चाहे शिव मंदिर में चढ़ाएं, चाहे देवी मंदिरों में चढ़ाएं। कोई व्यक्ति बीमार भी अगर है तो मैंने जो सिस्टम बताया आप करके देखिए। सभी धर्म के देवी देवता अग्निमुखी हैं, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्धिस्ट धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे सनातन धर्म के हो, यह देवी देवता अग्निमुखी है। देवी देवताओं को अग्नि के माध्यम से ही भोजन दिया जाता है, मंत्रों के साथ, तभी देवी देवता आपके सभी दोष निवारण करेंगे, सभी दोष को जलाएंगे। कुछ काशी के जो पंडित बोलते हैं हमें खाने के लिए दो,
देवी देवता को प्राप्त होगा, ये झूठ बोल, ये झूठे के सरदार है, डकैत डाकू है, ये कोई इंसान खाए देवी देवता को मिल हो ही नहीं सकता। दस महाविद्या का तंत्र शास्त्रियों और जैनियों का तो एक एक मंत्र का ज्ञान प्राप्त है। जैनियों ने जितने नहीं पढ़े उससे ज्यादा मैंने पढ़े हैं, और आपने तो मंत्र उच्चारण किए, मैंने तो टेस्टिंग किया है। नौकार मंत्र, 32 आगम, भक्तांब स्त्रोत्र, और यही कारण से बोल रहा हूं आपके शासन देवी माँ पद्मावती से जुड़िए डायरेक्ट। माँ पद्मावती को नींबू का माला पहनाए, आपके गांव में पद्मावती देवी की मंदिर जरूर होना चाहिए, जहां 10-20 भी जैनी हो कम से कम देवी माँ पद्मावती का मंदिर होना चाहिए। लेकिन आज तक मंदिर क्यों नहीं हुआ, ये जो मीडिएटर हैं यह आपको धोखा दे रहे हैं। मैं किसी धर्म का निंदा नहीं करता, किसी धर्म का प्रशंसा नहीं करता, 10-20 भी जैनी जहां हो पद्मावती देवी का मंदिर होना चाहिए, लेकिन आपने जिसको मीडिएटर रखा है वह आपको धोखा दे रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए रास्ता ही नहीं दिखा रहे। उन्हें मालूम है अगर हमारे शिष्य अगर डायरेक्ट पद्मावती से जुड़ जाएं तो हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा, और नया शिष्य इनसे कोई जुड़ नहीं रहे हैं। तो यह आज का प्रवचन स्पेशली कन्वर्टेड जैनियों के लिए है, जो कि हिंदू धर्म छोड़ के जैन धर्म में चले गए। आप लोग जो कन्वर्टेड जैन है कम से कम जीवन में एक माँ पद्मावती का मंदिर बना लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग कि सत्य आप जैन हो या सिर्फ दिखावटी जैन हो, बनाइए पद्मावती देवी की मंदिर। गुरु का अर्थ क्या है, जो अंधकार से उजाले की ओर आपको ले जाए, वही गुरु है। मैं अपने साथ किसी को नहीं जोड़ता, सन्यासी हूं, सन्यासी किसी को भी अपने साथ नहीं जोड़ेगा। अरे गुरु तो घर त्यागी कुनबा बना रखे हैं। हर वर्ष आपको या तो आपके गांव में आके गिनती करेंगे कि सभी जैनी ठीक ठाक हैं या कुछ खिसक गए, या आपको बुलाएंगे कि बेंगलोर आओ या मुंबई आओ कि कहीं कोई खिसक तो नहीं गया। इन्हें भय रहता है जैन गुरुओं को कि कोई हमारा शिष्य भाग तो नहीं गया हमें छोड़ के, ये भयभीत है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। कोई भी धर्म का इंसान हो, जब आपके माँ के गर्भ में संतान जन्म होता है आत्मा तो वही शिवालय ही देते हैं। आप मीडिएटर, चाहे हिंदू भाई भी जितने हो मीडिएटर को छोड़िए, डायरेक्ट देवी देवता से जोड़िए। सभी देवी देवताओं का खाने का मुख, दोष निवारण करने का मुख, दोष जलाने का मुख अग्नि देवता है। आपने देखा होगा कोई भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो सर्वप्रथम अखंड दीपक जलाया जाता है और जल रखा जाता है नजदीक, तो जल और अग्नि में खेल है। जैन धर्म के शासन देवी माँ पद्मावती का कहीं भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है रिकॉर्ड निकालिए, अग्नि के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। जितने भी जैन आज आप तकलीफ में जीवन व्यतीत कर रहे हो, यह वीडियो के अनुसार आप डायरेक्ट जुड़िए देवी देवताओं से। और जो जैनी ज्यादा परेशान हुआ, आप हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, आपके घर में शिवालय से या अखंड ज्योत के माध्यम से धन कुबेर का वास होगा, आप अपने पद्मावती देवी के नाम से जलाइए शिव मंदिर गर्भगृह में सरसों तेल का अखंड दीपक, शिवलिंग में डालिए जल, हर महीना एक बार शिवलिंग में आप अपने हाथों से जल डालिए ऑल फैमिली मेंबर्स, और वहीं आपकी बैठी हुई पद्मावती देवी वहीं से कुबेर जी को ले जाके आपके घर में विराजमान करवा दे। जैसा भी बीमारी हो, बीमारी कहां से उत्पन्न होता है, वायुमंडल से उत्पन्न होता है। पेट दर्द कहां से देता है, वायुमंडल से। घर में जितना ज्यादा हो सके हल्दी का गोटा और पीली सरसों का धुआं दीजिए, वायुमंडल ये मेडिकेटेड वायुमंडल बन जाएगा, मेडिकेटेड वायुमंडल। वायु में कितना ताकत है, पवन वायु में देखिए,
आपके नजदीक अगर कोई आदमी सिगरेट आके पिए, आपके नाकों से अपने आप प्रवेश कर जाता, आप खों 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 करते हो। आपके किचन में कोई एक मिर्च अगर जला दे तो आपके बेडरूम तक वायुमंडल के माध्यम से मिर्च का राग प्रवेश होता है या नहीं, तो वायुमंडल में बहुत खेल है। वायुमंडल को पहले शुद्धिकरण कीजिए। आपके पड़ोस में कोई मांसाहारी भोजन बना रहा है, उसका श्वास निश्वास आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहा है या नहीं, प्रवेश कर रहा है, तो वायुमंडल आपके घर का दूषित है। हर रोज अरबों खरबों के संख्या से जीव मरते हैं, जीव कटते हैं, पशु मरते हैं, जानवर मरते हैं, तो उनका जो दुर्गंध आपके घर के अंदर ही प्रवेश हुआ है। और घर को सुगंधित दो ही चीज कर सकता है, हल्दी और पीली सरसों। लेकिन ये वायुमंडल के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, चाहे सनातन धर्म के हो चाहे हिंदू धर्म के हो, वायुमंडल के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि वायु में बहुत कुछ खेल है। शरीर आपका पांच तत्व का बना हुआ, एक तत्व है वायु तत्व, आपका वायु तत्व पूरा दूषित है। और यही कारण से जो है इंसान आज बीमारी से परेशान है। आपके घर में जैसा भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गया हो, वायुमंडल को शुद्ध करते रहें पीली सरसों, येलो मस्टर्ड और हल्दी से, घर में जीवन भर कोई बीमार नहीं पड़ेगा। सात दिन में एक बार आप जलाइए, धुआं दिए। यह वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें। अपना जन्म कुंडली गलती से भी किसी को ना दिखाएं।